खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हल्का बस्ता एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया। इसके इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये था कि जो बच्चे हैवी बस्ते कैरी करते हैं उनको कैसे वो लोड कम किया जाए। एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है, हेल्थ हमारी प्रायोरिटी है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए कि एजुकेशन के निज़ाम को और बेहतर बनाया जाए और उसी के साथ साथ बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा को और उनकी हेल्थ को भी प्रायोरिटी पर रखा जाए, तो हल्का बस्ता एक्ट हमने इंट्रोड्यूस करवाया और इंशाल्लाह इसमें जो ज़्यादा वज़न है उन्हीं वो कैरी करेंगे। जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं वो प्रिंसिपल और टीचर्स हैं, जो कि वो ये डिसाइड करेंगे कि किस दिन कौन से लेक्चर्स होंगे, कौन से बुक्स नोट्स वो कैरी करेंगे, किस चीज़ का लेक्चर नहीं होगा तो वो एक्स्ट्रा बुक्स कैरी ना करें। इसमें वालदैन का अपना किरदार है कि उनका टाइम टेबल चेक करें, बच्चों के बैग्स चेक करें और कोशिश हम सब मिल के करें कि इन पर ज़्यादा हैवी वेट हम ना कैरी करें, क्योंकि साइकोलॉजिकल स्पाइन के और बाकी हेल्थ इशूज़ हैवी बैग कैरी करने से बच्चों को हो सकते हैं। कुल मशुमान पैदल रजी लर इलाकों रजी दो किलोमीटर अद्रे किलोमीटर सौ किलोमीटर आगा पैदल पाँच पाँच किलोमीटर पैदल मजर रखे मर्ज एरिया की स्कूल्स कम दी एरिया कोलाव दा लेकिन कंजस्ट एरिया ना दा लर हल गुस्सी की देखा पर डर घट फायदा था चे हल्का बस्ते ही चे मशुमान बांधे बोझ नहीं बोझ मशुमान जो बोझ वाचो है मेंटली मशी स्थिरम सी और मेंटली डिस्टर्ब ही मतलब दो बेग वापस दौड़म संग दौड़म बस कम शी बोझ लोड कम शी मशुमान बांधे बदा डेर खपा जो असर एजुकेशन मजमूंगी।